हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो काफ़ी पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि मैंने अकाउंट सस्पेंशन पे, नेगेटिव फीडबैक पे, पॉजिटिव फीडबैक पे, इन टॉपिक्स पे काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं। क्योंकि जैसे ही मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है, तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ। ओके, तो इस वजह से एक ही टॉपिक पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हो जाती हैं। तो अगर आप लोग नए हैं और आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने अकाउंट सस्पेंशन, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। और अगर आप नए हैं और आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस का अलर्ट आप लोगों के पास आता रहे, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, आपको उसको प्रेस करना है। और उसके साइड में एक बेल का आइकॉन बना हुआ है, आपको उसको क्लिक करना है, ताकि जो मेरी वीडियोज़ के अलर्ट्स हैं आपके पास पहुँचते रहें और आप मेरी वीडियोज़ टाइम से देखें, और उससे आपको फ़ायदा हो, आपके अकाउंट्स की हेल्थ जो है हमेशा अच्छी रहे, आपकी अकाउंट की हेल्थ बढ़ती रहे, जिससे आपका इंक्रीमेंट होगा, आपकी जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो मैंने काफ़ी सारे जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, नेगेटिव फीडबैक के बारे में, पॉजिटिव फीडबैक के बारे में, या अकाउंट सस्पेंशन के बारे में, तो आज का जो पॉइंट है ना, जो मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको पूरे जो मेरी बात है ना, तरीके से समझ आए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं ये कवर कर रहा हूँ कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के बारे में तो मैंने आपको बताया था, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको बता रहा था। तो उसमें कई लोग क्या कर रहे हैं, कुछ गलत स्टेप्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंशन हो सकती है। तो ये जो आज की वीडियो है ना, फीडबैक प्लस अकाउंट सस्पेंशन दोनों को मिलाकर है। तो मैंने आपको काफ़ी सारे तरीके बताए, आप कस्टमर को कॉल कर सकते हो, कस्टमर को मैसेज कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो कुछ लोग ना ज़्यादा ही समझदार हैं, कुछ सेलर अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, और दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हैं, ये मुझे पता चला है। मेरे ही एक व्यूअर ने मुझे बताया कि ऐसा हो रहा है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता? तो मैंने उनको मना किया है कि बिल्कुल आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ठीक है, बिजनेस में सब कुछ जायज होता है, कुछ अच्छा भी करना पड़ता है, कुछ बुरा भी करना पड़ता है, लेकिन हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, ठीक है, एक तरीका होता है हर चीज को करने का। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जब अपना ऑर्डर शिप कर रहे हैं ना, तो क्या, अब ये देखो तरीका क्या निकाला है, जिसने भी निकाला है, कहने के लिए बहुत अच्छा तरीका भी है, और उसका रिजल्ट बहुत बुरा भी हो सकता है। फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे हमने तो कोई गलती नहीं करी, अमेजोन ने अकाउंट क्यों सस्पेंड कर दिया। मैक्सिमम केसेस में जो मार्केट प्लेस वाले हैं, आपको नहीं बताते हैं कि आपका अकाउंट क्यों सस्पेंड किया, लेकिन उनके पास वैलिड रीजन होता है अकाउंट सस्पेंड करने का। तो इस बात को मान के चलिए, आप अभी कुछ भी नहीं है, अभी आपने स्टार्ट की है ऑनलाइन सेलिंग, और वो एक मार्केट प्लेस चला रहे हैं, तो उन्होंने रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज बना के रखी हुई हैं, जो उनको पता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो सेलर अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझे, क्योंकि आप उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है, आपको बहुत कुछ नहीं पता, ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग के बारे में। लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, अमेजोन को गालियां देते हैं, ईबे को गालियां देते हैं, फ्लिपकार्ट को गालियां देते हैं, लेकिन काम भी फिर वहीं पे आके करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बिना गुजारा भी नहीं चलता है, कमाई भी तो वहीं से हो रही है ना। तो उनकी पॉलिसीज के साथ चलिए, ठीक है, क्योंकि आप अभी उस लेवल पे नहीं है कि आप उनसे लड़ सकते हैं, ठीक है, तो उसकी पॉलिसीज के साथ चलिए। तो क्या गलती कर रहे हैं, मैं आपको वो समझा देता हूँ। लोग क्या कर रहे हैं, जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर शिप करते हैं ना, तो ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर के साथ एक टेम्पलेट डाल रहे हैं फीडबैक के लिए। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, आप उसमें टेम्पलेट डालिए और उसमें बायर को बोलिए कि मुझे फीडबैक दे, लेकिन वो टेम्पलेट एक रिक्वेस्ट टेम्पलेट होना चाहिए। उसमें आप बायर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे फीडबैक दे दो, मुझे कमेंट दे दो, मुझे फीडबैक दे दो, मुझे रिव्यू दे दो, वो एक रिक्वेस्ट होना चाहिए। लेकिन जो कुछ सेलर कर रहे हैं, और सेलर को भी बता रहे हैं कि आप भी ऐसा करो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो टेम्पलेट में ये लिख रहे हैं कि अगर आप मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक दोगे, तो उसके बदले मैं आपको 100 रुपये का पेटीएम दूंगा, या 50 रुपये का पेटीएम दूंगा, या 100 रुपये का अमेजोन कूपन दूंगा, या अमेजोन गिफ्ट कार्ड दूंगा, ठीक है, वो ऐसा लिख रहे हैं अंदर। तो ये बहुत गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, हो सकता है इससे उनका बिजनेस इंप्रूव हो रहा हो सकता है उससे इनको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हो, लेकिन एक ही गलत रास्ता है, ठीक है। एक बार भी किसी बायर ने वो पैम्पलेट आपको, आपका पैम्पलेट अमेजोन, ईबे, फ्लिपकार्ट किसी को भी दे दिया, उनके पास एक वैलिड रीजन होगा आपका अकाउंट सस्पेंड करने के लिए।
सेलर्स जो है ना, सेलर चाहे 1 लाख रुपए की सेल महीना दें या 1 करोड़ रुपए की सेल महीना दें, अमेजोन मार्केट प्लेस हो, ईबे मार्केट प्लेस हो या फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस हो, जितनी मर्जी आप सेल कर लो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लात मार के भगा देंगे आपको और आप कुछ कर भी नहीं सकते, फिर नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे और आपके जैसे लाखों करोड़ों सेलर्स जो हैं ईबे अमेजोन पे बैठे हुए हैं, सेल कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए कस्टमर की वैल्यू है, कस्टमर चाहिए उनको, सेलर नहीं चाहिए, सेलर बहुत हैं, आप जाओगे दूसरा आ जाएगा, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वैसे ही प्रोडक्ट 100 और सेलर भी बेच रहे हैं, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप जितना मर्जी उनको कमा कर दो, ठीक है, आप बोल भी नहीं सकते उनको कि मैं आपको इतना कमा कर दे रहा हूं, आप अपने आप को बोल सकते हो, अपने दूसरे सेलर को बोल सकते हो, उनको नहीं बोल सकते, तो इसलिए उनकी जो पॉलिसीज है उसको समझो आप कस्टमर को। और दूसरी बात रही बात 50 रुपये और 100 रुपये देने की पेटीएम की, कुछ छोटे चीप कस्टमर होते हैं वो आपसे 50 रुपये 100 रुपये ले लेंगे फीडबैक के लिए, कुछ कस्टमर को ये बात बहुत बुरी लग जाती है, बहुत ज़्यादा बुरी, उनको लगता है आप उनकी क्या कहते हैं बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, आप उनको 100 रुपये ऑफर करके 50 रुपये ऑफर करके, ठीक है, आप खुद सोचो कोई आकर आपको बोले आओ यार आज पार्टी करते हैं हम, ठीक है, कुछ खाएंगे कुछ पिएंगे चलो घूम फिर के आते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वहीं कोई आपको आकर बोले यार ये ले 200 रुपये ले और कुछ खा कर आ कुछ पी कर आ, ठीक है, तब आपको सोचो कैसा बुरा लगेगा कि यार ये 200 रुपये दे रहा है, तो बोलने का तरीका होता है, उनको कुछ ऑफर करने का तरीका होता है, जो डायरेक्ट आप बोल रहे हो ना 100 रुपये का मैं पेटीएम दूंगा और इसका मैं 100 रुपये का गिफ्ट कार्ड दूंगा या 50 रुपये का गिफ्ट कार्ड दूंगा, आप अपनी भी वैल्यू खराब कर रहे हो, आप उस बायर की भी वैल्यू खराब कर रहे हो और अपना अकाउंट तो रिस्क में डाल ही रहे हो। हो सकता है कुछ सेलर्स आपको ऐसा सिखा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आज की डेट में कोई भी सेलर ऐसा नहीं चाहता कि सामने वाला सेलर ग्रो करे, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे सेलर्स हैं जो अच्छे से सेलिंग कर रहे हैं, वो नए सेलर्स को ऐसा सिखा रहे हैं कि आप ऐसी ट्रिक करो जिससे उनका अकाउंट बंद हो जाए। ट्रिक वही सिखाओ जो सबको लगे सही है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, या मेरी कोई भी एक ट्रिक आपको गलत लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, मैंने आज तक ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताई है जिससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो, लेकिन जो लोग आपको ये ट्रिक बता रहे हैं वो चाहते हैं कि वो आपका अकाउंट सस्पेंड हो, वो चाहते हैं कि नए सेलर ग्रो ना हो, वो नहीं चाहते कि और नए सेलर आए और हमारा बिजनेस कम हो जाए। आपने एक बात सुनी होगी, सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, कि कहीं एक कम्युनिटी है जहां सारे अमीर लोग हैं, वो अमीर लोग हैं वो कहते हैं कि चीजें इतनी महंगी हो जाए, इतनी महंगी हो जाए ना चीजें कि गरीब आदमी उसको अफोर्ड कर ही ना सके, ना अफोर्ड कर पाएगा ना वो जी पाएगा, इससे अच्छा मर जाएगा। तो जो हमारा राज होगा ना सिर्फ अमीर लोगों का होगा, जो कम्युनिटी बनेगी अमीर लोगों की, सारे अमीर रहेंगे, तो सेलर कम्युनिटी में भी ऐसा है, कोई सेलर नहीं चाहता कि दूसरा सेलर भी ग्रो करे, दूसरा सेलर भी पैसे कमाए, दूसरे सेलर की भी अर्निंग अच्छी हो, कोई भी नहीं चाहता, इसलिए हो सकता है वो ऐसी गलत टिप्स आप लोगों को दे रहे हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो और धीरे 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 करके छोटे सेलर खत्म हो जाएं और सिर्फ बड़े सेलर रहें और उनकी सेलिंग अच्छी हो, जो भी ऑर्डर्स आए उनके पास आए। मैं किसी को डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता चला है ऐसा तभी मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, मैं हमेशा बोलता हूं कि ठीक है जो भी कर रहा है अपने बिजनेस के लिए कर रहा है, बिजनेस में सब कुछ जायज होता है, लेकिन ऐसा कोई भी गलत स्टेप मत उठाइए जिससे आपका बिजनेस खराब हो, क्योंकि कई लोगों का अर्निंग सोर्स होता है घर ही इस बिजनेस से चलता है, ठीक है, जैसा मैं पिछले 8 साल से सिर्फ इसी बिजनेस से पैसा कमा रहा हूं, इस बिजनेस के साथ और मैंने 10 बिजनेस करे और बंद कर दिए, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे 8 साल से मेरा घर चलता है, तो मैं ऐसी कोई गलती नहीं करता कभी भी जिससे मेरा बिजनेस खराब हो। हो सकता है मुझे कम अर्निंग मिले, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना बिजनेस खराब नहीं करता। तो आपको भी अपने अंदर ये बात अपनानी है, गलत चीजों पर नहीं चलना है, गलत रास्ते पर नहीं चलना है, बिल्कुल सही रास्ता जो है उसी पर चलना है। ओके, बस यही मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहता हूं। पैम्पलेट डालिए, अंदर रिक्वेस्ट नोट डालिए, कार्ड डालिए, कुछ भी डालिए अपने ऑर्डर के साथ, सिर्फ रिक्वेस्ट होनी चाहिए, कुछ ऑफर मत कीजिए। अगर आप ऑफर भी करते हैं, आप ये डालिए कि हम एक कॉन्टेस्ट चला रहे हैं, उस कॉन्टेस्ट के अंदर हम लकी विनर निकालेंगे, मतलब इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट किसी के मुंह पे मत थप्पड़ मारिए, ठीक है ना, सीधा उसको मत बोलिए मैं तेरे को 100 रुपये दे रहा हूं, उसकी वैल्यू है, कस्टमर है वो आपका, ठीक है, हो सकता है कुछ अट्रैक्ट हो जाए 100 रुपये के लिए, उनसे आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक भी परेशान हो गया, एक कस्टमर भी नाराज हो गया, उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं एक सीरियस बात समझा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू,
इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस लीजिए आप ये मत सोचिए कि वीडियो में मैंने बता दिया आपने सुन लिया हो गया। जो लोग ऐसा कर रहे हैं आज ही बंद कर दीजिए, आपका अकाउंट सस्पेंड बिल्कुल हो सकता है। फिर कल को रोते हुए आएंगे मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, कौन खुलवाएगा, मैं इतने पैसे दे दूंगा उतने पैसे दे दूंगा। क्या फायदा ऐसी अर्निंग करने का जो आप गलत जगह में फिर इन्वेस्ट करोगे, किसी को दोगे 5,000 मेरा अकाउंट खुलवा दे, लो 3,000 रुपये मेरा अकाउंट खुलवा दे, 10,000 में मेरा अकाउंट खुलवा दे। इससे अच्छा ऐसा गलत काम आप करो ही मत। बस इतना ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।